ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को बुला दीजिए। हम भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब का है, ये मेरे बुला के देख कर मारिए। आई आ जा रे संजय, हिसाब से रिकॉर्डिंग लिया तू लाइव है? ले 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 ले, पकड़ 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 हिसाब से देख के। मैंने तो सब अपने कागजात दिखा दिए हैं, तो उसके लिए सर देखो हम, मैं आपकी बात समझता हूँ सर, एक बार फिर हाथ जोड़ के मेरे सबकी तरफ से हम उसके लिए बातें हैं। हमें कोर्ट के साहब ने बोल दिया आपके कागज दे जी सर, तो इसलिए हमने टाइम दे दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे अधिकारी से मैं तो ऑर्डर एक दो दिन का टाइम सामान निकाल लेंगे जी, और कोई बात मेरे पास तो निकाल लेंगे सर। फिर आप कर लीजिए, देखो जी नहीं है तो आप नगर पालिका, मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नगर पालिका के साथ आप कर सकते हैं अनाउंसमेंट वाला। अगर दो दिन ये एप्लीकेशन नहीं मिले रहे क्या करें? रुको यही रुक जाओ। एक बार जाओ भाई आप। हाँ जी, मीडिया के जो लोग हैं अभी तो रिक्वेस्ट है जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्रोसीडिंग हमें मतलब हमें अपने एक बार प्रोसीडिंग कर लेने दीजिए। अच्छा दे भाई लो, ऐसा है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा आवाज कर दो ना, उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ये नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इन्होंने ब्रह्मदेव चौक से लेकर मंडी तक जो भी खोखे यहाँ पे या इंक्रोचमेंट की हुई है तो उनको हटाने के लिए हमने सभी जो भी इलार्थी हैं इनसे स्टे वगैरह भी देख लिया है, तो उसमें कोई हमने कोई स्टे प्रतीत नहीं हुआ, तो सरकार की नीति के अनुसार उपायुक्त मुद्दे की आदेश अनुसार हमें कार्यवाही करने के लिए पड़ते हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे भाई, जिस भाई हम आपको 10 मिनट देते हैं, आप जिस भाई को अपना सामान निकालना है तो वो निकाल लें प्लीज, क्योंकि फिर उसके बाद जो कार्रवाई है सरकार की। चलो 20 मिनट, देखो हम तो यही, हम तो तब से आपको यही बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टे नहीं है आपके पास, 3 दिन का टाइम, तो हम इसके लिए तो देखो मैं नहीं दे सकता ना कि मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, मैं तो सिर्फ यही हूँ कि मैं जिसे जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसके लिए मैं आपको कहता हूँ, इसलिए आप अपना सामान निकालो। साहब एक दिन का टाइम बता दिया नगर पालिका वाले उनसे सर, एक दिन का टाइम उनका मैटर है नगर पालिका, मैं तो बता रहा हूँ आपको एक दिन का टाइम, हमारी मशीन है वो सर हमारे बातचीत करें, हम तो सिर्फ मशीन है उनके अंदर और एकदम से खाएंगे, सेल काउंटर वगैरह लगे हैं उसमें, एकदम से व्यवस्थित नहीं पाएगा, हम एक दिन का समय, चलो भाई करो भाई एक दिन का समय, हमारी लेबोरेटरी है, उधर हैंडल सेल काउंटर एनालाइजर वगैरह लगे हुए हैं, उसमें एकदम से बहुत कीमती सामान है उसमें, तो उसमें हटाने के लिए है जी सर, कर लो आप सर, एक कुछ टाइम तो पास टाइम नहीं है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है ऑलरेडी, नायब साहब ने डिसीजन लेना है, अनाउंस कर दिया गया है, मेरे पास क्या है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, देखो सबकी तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक दिन का समय तो दे सकते हैं सर, हम नहीं दे सकते, तो फिर कौन दे सकता है सर, ये जो 20 मिनट का समय है आप इसमें कर लो, 20 मिनट में बता, आप एक बार एक बार मेरी दुकान देख लो साहब, आप एक बार देख लो एक से एक मिनट के लिए, अगर आप ये करते हो 20 मिनट में तो उनके नट भी नहीं खुल सकते, आप 4 घंटे से यहाँ खड़े हो, अरे जितना समय बजा देते थे शाम तक बजा रहे अरे इधर आ जाओ।
इधर होगा इधर साइड में सारे इनको दुकानें खाली करने का टाइम दिया है दुकानें खाली करने दो भाई पुलिस सारी इधर आ जाओ पुलिस इधर आओ सारी दुकानें खाली करने का टाइम है 20 मिनट तो मौत सबकी होगी लेकिन किस तरीके से होगी भगवान ने लिख रखी है फिक्र मत करो सबकी मौत आओगी कोई नहीं जिंदगी सबकी लिख रखी है जितनी है यही लग रहा है चांदनी चौक शहर का ब्रह्मदेव चौक और राहुल राम चौक पर क्या रखे उन्हें कोई खरीदा करवाओ जाके ये खोखा ही खोखा नजर आ रहा है सबने जो वो ये खोखा डालो ये खोखे लग रहे हैं कि सबने चांदनी चौक शहर में ये खाएंगा बाहर पास को खाएंगा के समाधान करो वो दुकान दो धंधो देखी तक थोड़ी बहुत सामान निकालना बाकी आदमी यहाँ से चलो यहाँ गैदरिंग मत करो जिसका सामान है दुकान है बाकी आदमी यहाँ से चलो कोई ना हो मोटरसाइकिल इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि प्रशासन ने मूड बना लिया है पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है और कह रहे हैं कि 20 मिनट का समय है वो दुकानदारों को यहाँ पर दिया गया है कि 20 मिनट के अंदर अंदर अपना जो वैल्यूएबल जो थिंग्स हैं उनको आप अपनी दुकानों से रिप्लेस कर लीजिए अदरवाइज प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा उसके बीच में किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है उसके जरिए आपको बता रहे कि भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है एक तरफ दुकानदार झुकने के लिए तैयार नहीं है वही दूसरी तरफ प्रशासन भी इस मामले पर अभी तक कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और प्रशासन का कहना कि हर हाल में उन्हें जो आदेश मिले हैं उसके अनुसार वो कार्रवाई करेंगे और एक तरफ बात कर लेते हैं कि पिछले 3-4 घंटों से हाई वोल्टेज ड्रामा मैनरेड पुलिस लाइन के पास चल रहा है ये दुकानें हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे जो काफी समय से चर्चा का जो विषय है वो बनी हुई है जिस और पीछे की तस्वीरों में मैं आपको एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है उसको डिप्लॉयड किया गया है ये देखिए वो तस्वीरें हैं जो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी दर्शाती है और न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि जो जनता है वो भी एक तरीके से विरोध में यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है लोग कह रहे हैं कि उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि जो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको लोग रिप्लेस कर सके लेकिन प्रशासन इस मामले में कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है और प्रशासन ने मूड बना लिया कि हर हाल में कार्रवाई हम करके ही रहेंगे जिस तरह से दिखाया गया है आपको जो डीएसपी राजीव कुमार जी उनके द्वारा लोगों से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की अपील की गई है लेकिन लोग अभी भी सड़कों पर खड़े हुए हैं अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या लोग जनता और पुलिस के बीच जो है संघर्ष है वो होगा या फिर जनता अपना जो दुकानदार है वो अपना सामान समेट करके यहाँ से जाएंगे क्योंकि जितना वक्त दिया गया है मात्र 20 मिनट का समय दिया गया है और 20 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि दुकान का कोई ताला भी खोल पाए और यहाँ तो दुकान से सामान रिप्लेस करने की बात हो रही है और लोगों का कहना है कि उन्हें कम से कम 3 दिन का समय तो दिया ही जाना चाहिए था जिसके चलते वो जो अपना सामान है उसको यहाँ से हटा सकते
लेकिन मात्र 20 मिनट का टाइम दिया गया है यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और आपको एक बात और बता दें कि जो दुकानें हैं, दुकानदार अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ से कोई भी किसी तरह का सामान हटाने के मूड में नहीं है। भीतर बैठे उसे काम ना चले, चले ही जाओगे। चलो ये चलो चलो काम ना चले। सबसे बड़ा अपडेट दे रहे इस मामले में, एक तरफ जो पुलिस प्रशासन है उसने 20 मिनट का समय दिया है, वहीं दुकानदार है उन्होंने विरोध जताते हैं, दोबारा से दुकानें खोलनी शुरू कर दी है और कहना है कि अगर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो वो भी दुकानों के अंदर ही मौजूद होगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो जान माल की हानि होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ये देखिए जिस तरह से जो दुकानें साइड में ना, जिस तरह से जो दुकानें हैं और दुकानों के मालिक हैं उन्होंने दोबारा से दुकानें अपनी खोलनी शुरू कर दी, क्योंकि अभी इन लोगों के पास सिर्फ एक ही चारा बचा है कि वो दुकानें खोल के अपनी दुकानों के अंदर बैठ जाएं। और दुकानदारों ने फैसला लिया कि अगर पुलिस प्रशासन या प्रशासन कार्रवाई करता है तो हम अपनी जिस तरह से अपील की जा रही है कि लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी दुकानों को खोल के उनके अंदर बैठ जाएं। और दूसरी तरफ सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 20 मिनट का मात्र समय दिया गया है लोगों को सामान दुकानों से रिप्लेस करने के लिए। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लेबोरेटरीज के अंदर जो मशीनें लगी हुई है क्या उनको 20 मिनट के अंदर रिप्लेस किया जा सकता है, क्या उनको 20 मिनट के अंदर हटाया जा सकता है। इसके अलावा काफी मतलब CSC की भी दुकानें हैं, जरूरी जो एसेंशियल थिंग्स हैं उनके भी सामान हैं। तो एक बार तो लेबोरेटरी के जो भाई साहब हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब 20 मिनट का प्रशासन के द्वारा आपको अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो 20 मिनट के अंदर आप दुकान में जो सामान आपका लगा हुआ है उसको रिप्लेस कीजिए या फिर जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो नुकसान होगा माल का उसका जिम्मेदार कौन, जवाब दीजिए, लाइव चल रहा है, इतना बता दीजिए। 20 मिनट का समय दिया गया है, सामान नहीं निकल सकता है, ठीक है, कोई गुड़ के डले तो है नहीं, बिल्कुल हमारा सामान कॉस्टली है, 3.5-4 लाख की एक एक मशीन है, कम से कम 4-5 मशीन है, ठीक है। जो माल का नुकसान होगा उसका हर्जाना प्रशासन से मांग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रशासन को ही देना पड़ेगा ये हर्जाना। चलो ठीक है, दूसरी लेबोरेटरी की ओर बढ़ते हैं और वहाँ बढ़ के वहाँ लेबोरेटरी के जो संचालक हैं उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि मात्र 20 ही मिनट का समय दिया गया है। कौन है जी आप? मैं हूँ भाई, लेबोरेटरी में ये रहते हैं। चलो, लोगों ने दुकानें खाली करने के बजाय विरोध स्वरूप दुकानों में बैठना शुरू कर दिया है। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि लोगों ने दुकानें खाली करने के बजाय दोबारा से दुकानों में बैठना शुरू कर दिया है। बैठ जाओ अंदर, बैठ जाओ भाई, खोल खोल के बैठ जाओ सारे, सब बैठ जाओ। ये देखिए, एक नजर डालिए आप पुलिस दस्ते पर, क्योंकि लो एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस के द्वारा पर्याप्त संख्या बल में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है, और कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए अगर कोई घटना होती तो एम्बुलेंसेज का भी इंतजाम है। यानी कि पूरे मुद्दे पर गौर की जाए तो प्रशासन पूरे तरीके से कार्रवाई करने के मूड में है। एक तरफ प्रशासन जहाँ कार्रवाई करने के लिए उतारू है, वहीं लोग जो है वो इसका खुद आपको बता रहे हैं। SP चंद्रमोहन साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अपने पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है। नाम साहब, नाम तहसीलदार, नाम साहब, नाम तहसीलदार साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब।
इसका तो बच्ची आंखों बोलते हैं। ला भाई माइक से चल आजा। सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में दे रहे हैं खुद जो मोर्चा है, जो सिचुएशन है उसका मोर्चा संभाल लिया है महेंद्रगढ़ के माननीय जिला पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन जी खुद यहां पर मौजूद हैं। और देखिए जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, अभी अभी बता रहे हैं आपको कि जिला पुलिस अधीक्षक खुद यहां पर पहुंचे हैं और सारी स्थिति एसपी और डीएसपी के साथ दोनों शीर्ष लेवल के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है वो अपना सामान निकाल लें क्योंकि उसके बाद नगर पालिका वाले फिर वो अपना या आपका सामान उठा ले जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अपना सामान अपना अपना सामान निकाल लीजिए। खबर बता दी आपने, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के द्वारा लोगों से सामान निकालने की अपील की जा रही है लेकिन दुकानदारों ने दुकान खोलने के बजाय दोबारा से दुकानों में बैठ गए। हाँ मीडिया बॉडी सारी इकट्ठी रहते हैं। Thank you.
कौन हाँ बिल्कुल कौन मार्ट का हमारा तरफ़ा धीरा ना कोई अरे तो बच के रहे तू बच के रहा अरे क्यों बोल रहा है लाइट चल भाई लाइट चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं हम तो साथ में रहा एक बॉडी बिल्डर ले आओ
जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो कब्जा हटाने की कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है, और लोगों को इस तरफ अगर नजर डालेंगे तो लोग अपने देखिए सामने जनरल इलेक्ट्रिक स्टोर है और ये दुकानदार जो है अभी दुकानें खोल रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि आप दुकान बंद करके आराम से अपने घर चले जाइए, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए लोग ना अपनी दुकान एक बार खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद ना दोबारा से दुकानें अपनी लोगों ने यहाँ पे खाली करनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ से प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जो है कब्जा हटाने की है वो शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जितने दुकानदार जो अपनी दुकान है वो खुली रखते हैं और कितने हैं वो दुकान सहित दुकान में ही बैठे रहते हैं। चलो खैर जो भी होगा सारा मामला हम आपको दिखाते रहेंगे। ले जाएगा एक पकड़ के ऊपर वाला टीचर लेगा सर टीचर लेगा सर एक मिनट और बंद कर दूंगा सर चलने में क्या जरूरत है तू पंगा ले आओ और केस बड़े बड़े नहीं उनके जा रहे हैं भाई हम पकड़ ले यार हमने बताया थोड़ा उड़ ना कितनी दिखाओ आराम नाम कर उसे डाला ना मैं दे रहा बोला बोला मैं बस तो
ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए ही जो ये जो देख पा रहे हैं कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो कल सिर्फ कुछ घंटों पहले ही व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, अब अगर आप कुछ समय बाद यहाँ नज़र डालेंगे तो ये आपको मलबों के ढेर ही ढेर में नज़र आएंगे। दुकानदारों ने जो है एक बार की तो विरोध करना शुरू किया था और डिसीजन लिया था कि सामान के साथ ही दुकान के अंदर जो है वो बैठे रहेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके प्रशासन के साथ सहयोग किया जा रहा है दुकानदारों की तरफ से, और जो सामान है उसको धीरे धीरे एक तरीके से बात कर ले तो यहाँ से निकाला जा रहा है। अब ये देखिए ये तस्वीरें हैं जो दुकानदार धीरे यहाँ से मतलब अपना सामान जो है जैसे तैसे करके शिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरे छोर की अगर बात कर ले तो दूसरे छोर पर प्रशासन ने जो है अवैध कब्जा कार्रवाई जो छुटवाने के लिए डिस्टोरेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। और अगर आप ब्रह्मदेव चौक की तरफ नज़र डालते हैं तो ब्रह्मदेव चौक पर तो फिर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। ये देखिए लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जो सारे जो हालात है, जो प्रक्रिया यहाँ पर कब्जा जो है हटाने की जो शुरू की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कब्जा कार्रवाई यहाँ से लेकर के ब्रह्मदेव चौक तक होनी है, और ब्रह्मदेव चौक तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो दुकानें हैं जो अवैध तरीके से जो दुकानें बनी हुई है उनको प्रशासन हटाएगा। और हालांकि सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में कार्रवाई भी प्रशासन शुरू कर चुका है। ये हो गया आपकी आईडी पूरी है गेम जीने देना वाली तो खैर ये अब इधर आई चला हो क्या ना 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 यही है ना बस सुन रही थी डिस्क्रिप्शन डाल दो चला दो खाली छोड़ दो इंडिया दैनिक न्यूज़ भारत का हरियाणा तीन है भाई इंडिया दैनिक न्यूज़ दैनिक न्यूज़ एक भारत गौरव न्यूज दो हरियाणा अपडेट तीन ये नौ भाई जो आपका संजय कौशल वेरी गुड आराम से चल जाए या चार्ज की दिक्कत ना हो इस तरह से कोऑपरेट हो रहे हैं ना आराम से चल जाए बात है नुकसान नहीं नुकसान है सारी बात ठीक है मिल बात दिखाओ प्रशासन की बात दुकानदार दुकान के अंदर है जैसी भी तैयार है किसी भी वक्त दुकान पर जो है
तोड़फोड़ शुरू की जाती है। अभी पुलिस के तो अधिकारी हैं, उनके द्वारा दुकानदार से अपील की गई थी कि दुकान के बाहर आए आप। रिप्लाई क्या कर रहे हैं, मुकदमा हट रहे हैं भाई। ये जितने भी साथी इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सिविलियन है ना, सिविलियन है ना, लट्ठी को पड़ा वो पीछा था। दरवाजा
जब वहां से पार रहे दीपक बताओ वो साइड में ले, अरे साइड में ले पवन ने रिकॉर्डेड लिए भाई सर, जिस प्रकार से आज जो ये रेलवे रोड के ऊपर खोखे और कच्ची दुकानें हटाने की क्या प्रक्रिया, किस तरीके से आप कार्रवाई को अंजाम देंगे? देखिए सिविल हॉस्पिटल के सामने रेलवे रोड पे जो लेफ्ट साइड पे उसको हटाने के लिए पहले भी रेलवे भी नोटिस वगैरह दिए गए थे, यहाँ पर जिन्होंने एनफोर्समेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे, एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया कि आप अपना सामान हटा दें, जो एनफोर्समेंट डिसीजन है और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाया कुछ लोगों ने नहीं हटाया, लेकिन नियम अनुसार पुलिस की कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशेंट टाइम दिया गया है, तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है तो जल्दी से जल्द तो पूरा करने की कोशिश करेंगे, आगे भी जितने लोग हैं उन्हें पहले भी कई बार बताया जा चुका है वो कोऑपरेट करें, जिससे उनको भी कोई समस्या नहीं हो और उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें बताएं, बट आज की कार्रवाई में पुलिस का और बाकी सारे प्रशासन का कोऑपरेशन करें। जैसे आप दुकानदार अपनी दुकान में सामान निकालने लगे हैं तो क्या उनको अब टाइम दिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से? देखिए पहले उन्हें 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फोर्सफुली उनका सामान बाहर हटाना शुरू कर दिया है, बट अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा तो क्या बोले, बट अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना सामान हटा दीजिए, जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, कोऑपरेट करें अपना सामान हटा लें जिससे किसी को भी कोई असर ऐसा ना हो। जिस तरह से एएसपी सिद्धार्थ जैन जी द्वारा बताया कि लोगों को पूरा समय दिया गया था और कहा गया था कि वो अपना जो कब्जा उन्होंने किया है वो स्वेच्छा से हटा ले, अच्छा उसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन वो जिम्मेवार नहीं होगा, उसके बाद कुछ लोगों ने कोऑपरेट करना शुरू किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, और जिन लोगों ने कोऑपरेट कर लिया सामान तो बच गया, लेकिन जिन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया उन लोगों को सामान है। गाड़ी लाओ, गाड़ी ला रहे, गाड़ी ला रहे।
सामान निकाला जाएगा। वैसे ही एक थोक का ये दुकान है यहाँ पर, अभी तो जाएगी आपके नमस्कार, मैं संजय कौशिक आपका स्वागत करता हूँ भारत गौरव न्यूज में। और जिस तरह से जो सारा मामला है, मतलब पिछले लगभग देखा जाए तो 1 से 2 बजे के बीच ये जो सारा हाई वोल्टेज ड्रामा है ये शुरू हो गया था। और उसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो लोगों को समझाया जा रहा था, लोगों से बातचीत की जा रही थी, लेकिन लोगों ने जब कोऑपरेट, ये देखिए लोगों का सामान किस तरह से जो है उनके प्रतिष्ठानों के बाहर पड़ा हुआ है। और ये जो तस्वीर है, एक तरफ दुकानदारों की दुकानें हैं और दूसरी तरफ है उन लोगों के सामान का ढेर। क्योंकि जिस तरह से देख पा रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं इन दुकानों को प्रशासन खाली अभी करवा रहा है। और दोनों तस्वीर तरफ की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक तरफ दुकानें, दूसरी तरफ लोगों का जो सामान है वो खुले में रखा जा रहा है। अभी तक के हालातों पर गौर की जाए तो पुलिस प्रशासन के साथ जो दुकानदार है वो भी कोऑपरेट कर रहे हो, धीरे धीरे करके उनका जो सामान है उस सामान को ट्रांसफर किया जा रहा है। काफ़ी सफिशियंट टाइम दिया गया था, यानी कि 4-5 घंटे तक लोगों को टाइम दिया गया और कहा गया कि या तो अपना सामान आप ट्रांसफ़र कर लीजिए या फिर प्रशासन जो कार्रवाई करेगा उसके लिए कोई भी लायबल नहीं है। उसके बाद दुकानदारों के द्वारा एक बार तो विरोध किया गया था कि भी दुकानों के अंदर ही बैठे रहेंगे सामान सहित, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लोगों ने धीरे धीरे अपने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनसे अपना सामान जो है वो हटाना शुरू कर दिया। जी कुछ दुकानदारों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। हाँ अब क्या होगा भाई, श्याम कंप्यूटराइज लैब के आगे हम मौजूद हैं और इस लैब के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है भारत गौरव न्यूज में। और ये जो लाइव जी कैसा स्वागत जी, स्वागत हमारे प्रशासन ने कर दिया ना जी। हमारा हमारी हमारा कोई रुवाई दुवाई करने वाला शहर में कोई बचा नहीं है जी, ना कोई सत्ता पक्ष का नेता, ना कोई विपक्ष का नेता, ना कोई यहाँ कोई प्रशासन है, सारा प्रशासन भाई साहब हो रहा है। 4 घंटे का समय दिया गया था, कब से प्रशासन आपसे बात कर रहा था लेकिन कोऑपरेट नहीं किया। 4 घंटे में आप मीडिया वाले हो, आप देख रहे हो, 4 घंटे में दुकान खाली हो सकती है क्या? बिल्कुल 4 घंटे में दुकान खाली हो सकती है, तो है ही। आज वो नेता कहाँ गए जो वोट मांगने के लिए घर 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 आ रहे थे, पूरे शहर को उजाड़ के गिर दिया। आज कहाँ है वो, ना सत्ता पक्ष का है ना कोई विपक्ष का नेता, कोई भी शहर को सुना है यहाँ प्रशासन ने, ये समझ लिया शहर का कोई रुवाई करने वाला मालिक तो कोई है नहीं, इनको उजाड़ दो यहाँ से। तो इसका मतलब देखिए, मेरी बात शायद आपको बुरा लग सकती है, कहीं ना कहीं आपको अवैध कब्जे पर बैठना अच्छा लगता है? किस चीज का अवैध कब्जा? 40 साल से बैठे हुए, 40 साल से आज तक किसी भी सरकार ने विकास नहीं किया, अब तक विकास नहीं किया, रोड सारा फुटा पड़े है। चलो ठीक है जी, आप ट्रांसफर की प्रोसेस है वो शुरू कीजिए क्योंकि आपका टाइम फिर मेरे का वजह से वेस्ट हो रहा है। हमारे मीडिया वालों से भी तो ये अनुरोध है कि आप भी हमारे उजड़े हुए खोखों को तो दिखाने आ गए, लेकिन शहर की दुर्दशा दिखाने में आप कहाँ थे? जब भी कोई नहीं है, आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, आप एक बार जाके चैनल पे देखिए, शुरू से लेके सुबह निकलते हैं घर से रात को 12 बजाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं। सुनिए मेरी बात, आप मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, मीडिया मुद्दे नहीं दिखाती है। कौन कहता है मुद्दे नहीं दिखाते? हम किसे टारगेट कर रहे हैं? हमारे पास कहने के लिए किसके पास? हम आपके और सुनने के लिए पहुंचे हैं ना, लगातार 4 घंटे से आपके साथ ही बने हुए हैं ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने 1 सेकंड में उंगली उठा दी मीडिया वालों पर जब मैं शांति लेबोरेटरी पे आया था, तो उससे उसके बाद श्याम लेबोरेटरी पे आया था, लेकिन आप स्वयं यहाँ पे नहीं थे। मैं तो सुबह से दुकान पे हूँ, वहाँ धरने पे भी मुझे नहीं पता, जब मैं आपके पास यहाँ पे बोलता तो उस वक्त आप यहाँ नहीं थे, नहीं तो आप तो पड़ोसी हैं उनसे पूछ लीजिए। बाहर से गाड़ी आने के लिए परमिशन मिल गई आपकी जानकारी के लिए? जो अपना सामान लेके जाना चाहे तो गाड़ी अंदर ला सकता है। चलो यार, अगर इस तरह से बातचीत की जाएगी तो शायद माहौल ही खराब होगा, और तो क्या होना है। लेकिन आपको एक सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस मामले में हम ये दे रहे हैं कि
देखिए शायद पूर्व शिक्षा मंत्री या फिर हो सकता है कि कोई राजनीतिक राजनेता यहाँ पर पहुँचा है। अब कौन पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है? पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है आपको, क्या कर रहे हो? देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खुद यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और आगे बढ़कर आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से उनका पीछे दो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है और खुद स्वयं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा लोगों के बीच में यहाँ उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं और जो हालात है उस पर अपनी नज़र भी बनाए हुए। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट हम आपको ये दे रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी रामविलास शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं और नहीं नहीं एक मिनट राजपाल तू बकवास मत, मैं कितने संघर्ष की बात छोड़ के आया हूँ, ये अपनी भाषणबाजी कर रही है, मैं किस लिए आया हूँ? बीच में मत बोल, 24 घंटे में अपनी जनता के बीच में खड़ा रहता हूँ। चलो लेकिन एक बात तो हम कहेंगे, अगर मंत्री जी जाते तो पहले भी आ सकते थे, इतना तो जनता को नुकसान है वो नहीं होता कहीं ना कहीं। लेकिन वही बात है कि देखा जाए तो राजनेता तो हर कोई मौका प्रस्त होता है, इससे पहले भी राजनेता है, अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जी आए हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो इससे पहले आ सकते थे, अगर वो इससे पहले आते तो जनता का नुकसान जो है वो नहीं होता, जनता को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बात करी जाए 100% की, एक बात है कि हर मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है, इससे पहले जो क्षेत्र के जितने भी अलग अलग पार्टी के राजनेता थे वो पहुंचे थे, अब पूर्व शिक्षा मंत्री खुद यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है बहुत ही लेट पहुंच रहे हैं, बहुत समय के बाद पहुंचते हैं। आज पूर्व शिक्षा मंत्री जी हम मिलेंगे और पूछेंगे कि इतने लेट आने की वजह क्या है, अगर पहले आते तो ना प्रशासन परेशान होता, ना दुकानदार परेशान होते और ना ही परेशान होती जनता। ये तस्वीरें आप देखिए, बुलाओ जी लूट लोग पूर्व शिक्षा मंत्री के पैर पकड़कर भीख मांग रहे हैं अपनी रोजी रोटी की। नाटक करने की जरूरत नहीं बिना सबसे लेटेस्ट अपडेट है, प्रशासनिक अमले के साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन बहुत लेट पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अरे अरे भाई भाई क्या कर रहे हो भाई, तो सिविलियन है वो तो हट जाओ यार कम से कम। नहीं तो मैं इस जेसीबी के बाहर में बैठ जाऊँ। रामविलास शर्मा बात करते भाई कहाँ का, नहीं यही बुला लो, हेलो नहीं मैं समझ भी क्या की बैठ जाऊंगा, हाँ मजे से चलता, नहीं नहीं ये मेरी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि, तुमने क्या तमाशा कर रखा है, रात के 8 बजे आप, नहीं नहीं नगर पालिका का कोई मतलब नहीं है, साइड में सिविलियन साइड में, ये 40 साल से मैं अपने खून से इस नगरी को जीत रहा हूँ और तुमने रात के अंधेरे में अंग्रेज के शासन में भी ऐसा नहीं हुआ, ये गरीब आदमी बैठे हैं नगर पालिका की रसीद लेकर के बैठे हैं, 20 साल से ये रोटी कमा रहे हैं, यहाँ आप लोगों ने इसे सुना समझ लिया, मेरी एसपी साहब से बात करा जी, मेरी डीसी साहब से बात होगी, ये ट्रैक्टर वैक्टर सब भगाओ यहाँ से, एक मिनट आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, आप चले जाएंगे इनको कह दो बंद कर देंगे, अफसर यहाँ खड़े हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ खड़ा है, बीस नंबर बोली, मैंने आज तक यहाँ पर दशत दूत नहीं होने दी जी सर, अब तो मेरी पार्टी की सरकार है,
जी सर, आज जिस प्रकार से रेलवे रोड के ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई, मेरी श्यामलाल जी पूनिया डिप्टी कमिश्नर से भी बात हो गई, खोखे वाले 32 लोग हैं, एसडीएम साहब दिनेश कुमार से उनके साथ बैठ करके जयराम सदन में हमारी बात हुई कि हमको 2 महीने का समय दीजिए, हम कोई न कोई अल्टरनेट इन गरीबों के लिए कोई न कोई जगह सुन लेंगे। और ऐसे ये तो हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में सारी बात डाल दी। हाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब कहाँ है? एक तो इनको रुकवाइए साहब, इस एसीबी को बंद करवाइए आप। दिनेश चौधरी, नहीं नहीं, मतलब तुमने तो ये सारा कार्रवाई उस बुलाओ ने, वो एसडीएम को वोट देने वालों को। मैं आपकी तो बात कर रहा हूँ, चुप चुप चुप। आपकी इतनी बात हो रही सारी बेटा, आप सबके चौधर के कारण तो ये जेसीबी यहाँ पर आज कहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक बार देखो, जेसीबी को आदेश दीजिए साहब, व्हाटएवर ऑफिसर इज प्रेजेंट हियर, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है, और दिनेश कुमार जी एसडीएम के साथ हमने एक हफ्ता पहले सब खोखे वालों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब, दिनेश जी इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है, एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नहीं नहीं, अभी रोकिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खून से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब, दिनेश जी इसको तुरंत रोकिए जी, अभी तुरंत। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दीजिए, और जो भी बात करेंगे आप और हम बैठ के खोखे वालों को, हाँ इनको अल्टरनेट देंगे, इसको अभी एक बार तुरंत रोक दीजिए स्कीम साहब। हाँ जी, एक बार डीसी साहब से आप बात कर लीजिए जी। जी देखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में यहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन कर रहा है और जबरदस्ती कार्रवाई करने पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर उतारू है। बिल्कुल कोई नहीं आएगा। सर मेरी रिक्वेस्ट नहीं, एसडीएम साहब से बात होगी। मैंने बना लिया, रोड़ा नहीं करा कोई, जेसीबी को रोक दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, उसको रोक दीजिए सर। मेरी रिक्वेस्ट, एक बार सुन लीजिए मेरी रिक्वेस्ट है। पहले तो सुन लो, एसडीएम साहब आ रहे हैं और जैसे ही आएंगे मैं आपके समक्ष, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग शांति बनाए। नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का, बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हमारे। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, अंधेरे का फायदा उठा के कुछ लोग शरारती हाँ, जा भी होते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रहे कि अगर कोई इशू होगा यू विल टेक लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड। आप जोड़ के रिक्वेस्ट है, अंधेरे का फायदा कोई उठा सकते तो आप शांति बनाए रखे। आईटीएम साहब आगे बात करेंगे, शांति बनाए रखे। पुलिस फोर्स थोड़ी पीछे रहे भाई, पीछे रहो, जब तक मैं नहीं कहता कुछ नहीं होगा। कंटू चलिए चलिए चलिए, थोड़ा खाली करिए भाई।
कंट्रोल मतलब कंट्रोल बिल्कुल पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मिलेंगे और अपने कद्दावर नेता बताते हैं बीजेपी के महेंद्रगढ़ से कि मैं बीजेपी का कद्दावर नेता हूं महेंद्रगढ़ से उनके आदेश के बावजूद। ठीक है थैंक यू। एलसी को बोल दीजिए कि तुरंत यहाँ मैं खुद खड़ा हूँ और पूरा बुलडोज कर रहे हैं सैकड़ों पुलिस वाले गरीब से लोगों को जेसीबी लगा के उसका अभिमन्यु आगे का काम भी कर रहे हैं। नहीं दिनेश जी से बात कर नहीं रुकी सीपी वाला तो पागल ही है तू लगा रखा नहीं नायब साहब और ये क्या मैं खड़ा हूँ यहाँ ये सीपी तो हमारे ऊपर भी चढ़ने वाली है साहब सब काफी से लगातार पूर्व शिक्षा मंत्री अधिकारियों से बात कर रहे हैं। दो मिनट दो यार दो मिनट रुक जा। कहाँ गए थे? नहीं नहीं दोपहर से तुम क्या अंडे दे रहे थे? वो बुलाओ ना उस संदीप एसडीएम को यहाँ। नहीं नहीं शहर तो वहाँ मर रहा था, ये तो रामविलास का शहर है भैया। डीके भाई कैसा है? मेरा तो दिन साफ दोस्त है। भाई झुंडाराज हो गया तुम्हें बहुत बड़ा नहीं हम बच्चे हैं नहीं इनको तुरंत रुकवा दो मैं भाव साथ में सर दोनों स्टैटिक कर रखी है मैंने ये दोनों अभी आप लोग नहीं रखिए अब एक बंदा उठिए भाई अपना आप
आगे चलो आगे चलो। जिस तरह से देख पा रहे हैं कार्यवाही अभी भी चालू है। पूर्व शिक्षा मंत्री के अगर बात कर ली जाए तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और पूर्व शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद भी यहां पर जो डिस्ट्रॉयेशन की कार्रवाई है वो चली हुई है। हालांकि पूर्व शिक्षा मंत्री बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी यहाँ की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मानता ही नहीं कि वो पूर्व शिक्षा मंत्री है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, पूरा सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम चार चार पांच पांच बंदे एक एक सामान उठा उठा के दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, इस तरह सामान भी रखने दे रहे हमारे को। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा यहाँ पहुँचे लेकिन काफी लेट पहुँचे, क्या कहोगे? कोई कार्रवाई नहीं हुई, गुंडा कर दी चलते सर, यहाँ गुंडा कर दिए उनके सारा सामान, सब कर दिए ये उनके सब, उनका दिखावा चल रहा सभी लोगों का। ये देखो जिस तरह से दुकानदारों ने कहा कि सारे आम गुंडागर्दी यहाँ पर की जा रही है, अगर पूर्व शिक्षा मंत्री की बात कर ले तो उनकी कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आम जनता तो क्या अधिकारी भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ताला मत दिए साहब का, देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अपनी दुकानों का बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे बढ़ के दिखाएंगे हाई वोल्टेज ड्रामा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो वो ही पहुंचे सुनते आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ यहाँ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, और उनकी मौजूदगी के बाद लोगों ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि काम को रुकवा दिया गया, लेकिन आदेशों की तो धज्जी उड़ती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से लोगों में एक आक्रोश था, लोगों का कहना था कि मतलब रामविलास शर्मा है उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि या तो समय से आते या फिर आते ही नहीं। पटवारी नमस्कार। नमस्कार, यो ठीक चित्र काम ठीक तो है ही। फील तो हुआ आ गए मांस खान वास्ते मरोड़ आदमी आ को ठीक तक को बंदा को खाए तो कह ली तो चूतिया बना रखा है सरकार ने 40 साल से।
जो अपने आप को महेंद्रगढ़ का कद्दावर नेता मानते हैं पंडित रामविलास शर्मा, उनके बारे में बात कर ले तो उनकी धज्जियां यहां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। रामविलास शर्मा के बारे में अगर बात करें तो कोई रामविलास शर्मा सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने उनको तुरंत प्रभाव से ठेंगा दिखा दिया और उनके कहने के बावजूद भी ना तो काम रोका गया और ना ही फिर जो अधिकारी है उन्होंने उनकी बात मानी। आज तू ठंड में यहाँ खड़े हो, चले जाओ जाओ भाई, जाओ यहाँ से, कोई नफा नुकसान होगा लगता किसी को जाइए आप। पूर्व शिक्षा मंत्री की बात करें तो यहाँ धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है और पूर्व शिक्षा मंत्री को कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अधिकारी तो पूर्व शिक्षा मंत्री को कुछ समझते ही नहीं है। और महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ के लोगों ने भी अभी रामविलास शर्मा मुर्दाबाद के लगाए थे नारे, क्योंकि नहीं ना भी ना लगाए तो क्यों नहीं लगाए, क्योंकि पांच घंटे से जो महातांडव है वो यहाँ चल रहा था। सभी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पहुंचे, पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंचे, लेकिन हुआ उनसे कुछ भी नहीं। और उनको भी प्रशासन ने एक तरीके से अगर बात करें तो उनकी देखिए वहाँ कुछ दो लोग हैं और इधर डिस्ट्रॉयेशन की प्रोसेसिंग है वो चल रही है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि खोखा है उसके अंदर लाइट है वो अभी भी जली हुई है और हो सकता है कि उस लाइट के अंदर करंट भी हो। देखिए अपने आप को महेंद्रगढ़ कद्दावर नेता कहते हैं रामविलास शर्मा और दिग्गज नेता कहते हैं रावदान सिंह। रावदान सिंह के प्रतिनिधि पहुंचे और पहुंचे रामविलास शर्मा खुद और आदेश दिया अधिकारियों को, आदेश पता नहीं झूठ बोला है दिया भी। काम हो चुका होगा अपना सामान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। देखो लोग अपना सामान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोगों से अगर बात की, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने एक जो पुलिसिंग सिस्टम है वो बनाते हुए यहाँ पर इंसानियत दिखाते हुए बहुत बढ़िया यहाँ पर डीएसपी साहब के द्वारा आदेश दिया गया पुलिसकर्मियों को, जो सामान है जो सहकुशल बसा हुआ है उस सामान को पुलिसिंग सिस्टम की मदद से गाड़ी में रखवाया जा रहा है। ये है महेंद्रगढ़ पुलिस और ये है महेंद्रगढ़ पुलिस की इंसानियत, क्योंकि
पुलिस में भी कहीं ना कहीं आखिर इंसान ही होता है। और अभी ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये पुलिस सिस्टम की इंसानियत को बयान कर रही है। यहाँ पर एक दुकानदार के द्वारा अपील की गई थी कि प्लीज देखिए, बैनर तो खेलती हूँ मैं, रुक गया। महेंद्रगढ़ पुलिस की इंसानियत देखिए, पुलिसिंग सिस्टम देखिए, इतनी अच्छी है महेंद्रगढ़ की पुलिस। ये महेंद्रगढ़ की पुलिस एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश कर रही है, क्योंकि पुलिस कर्मियों के द्वारा खुद सामान को लोगों की मदद की जा रही है, और इसे कहते हैं पुलिसिंग सिस्टम। पुलिसिंग सिस्टम को दिखाया महेंद्रगढ़ की पुलिस ने, क्योंकि इंसानियत के नाते लोगों का जो सामान है वो महेंद्रगढ़ी पुलिस पुलिसिंग सिस्टम को मैनेज करते हुए लोगों की मदद कर रही है, और जो सामान है उसको गाड़ी के अंदर रखवाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से खुद पुलिस वाले लगे हुए हैं सामान को यहाँ से निकलवाने में। अगर ये देखिए, ये तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ पुलिस की। जो लोग कहते हैं कि पुलिस ये करती है वो करती है, वो जरा एक नज़र इधर भी डाल लें, क्योंकि ये भी पुलिस ही है जो एक इंसानियत के नाते पुलिसिंग सिस्टम मैनेज करते हुए महेंद्रगढ़ पुलिस एक मानवता का परिचय देते हुए लोगों की आपको यहाँ मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। ठंडा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, सारे मुद्दे पर गौर की और पुलिसिंग सिस्टम पर गौर करें तो पुलिसिंग सिस्टम मैंने कहा बहुत अच्छा है। लोगों की मदद पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, और अगर बात की जाए तो खुद पुलिस ने मोर्चा संभाला है लोगों की मदद करने के लिए। लोगों का सामान जो है वो यहाँ पर पुलिस की मदद से ट्रांसफर करवाया जा रहा है, इसे कहते हैं पुलिसिंग सिस्टम। और पुलिसिंग सिस्टम होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस हो तो महेंद्रगढ़ जैसी लोगों की मदद खुद यहाँ पर पुलिस आपको करती हुई दिखाई दे रही है। क्या हो गया? देखिए ये बानी है महेंद्रगढ़ पुलिस की। कौन कहता है कि क्या बात है, बात पुलिस हो तो महेंद्रगढ़ पुलिस जैसी जो इंसानियत के लाते, ये महेंद्रगढ़ पुलिस का इंसानियत का रूप है, तो लोगों की मदद कर रही है, खुद यहाँ पे सामान आपको ट्रांसफर करवाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि डीएसपी राजीव कुमार जी के द्वारा पुलिस वालों से आग्रह किया गया था कि वो लोगों की जो मदद है सामान ट्रांसफर करने में वो करवाएं, और पुलिस वालों ने भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया और इनके आदेश की पालना करते हुए। आजा
पुलिस वालों में भी इंसान ही होते हैं और खुद डीएसपी राजीव कुमार इसके जनक हैं, जिन्होंने इंसानियत के नाते दुकानदार है उनका जो सामान है वो ट्रांसफर करवाने में मदद की है और पुलिसिंग सिस्टम की एक सराहनीय पहल है वो कायम करते हुए खुद डीएसपी साहब ने मौके पर पहुंचकर लोगों की जो मदद है वो यहां पर करने का कार्य किया है। और इन तस्वीरों के आप देख पा रहे हैं कि कितना कोऑपरेट महेंद्रगढ़ की पुलिस लोगों के साथ कर रही है, हालांकि महेंद्रगढ़ के लोग भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका जो क्रेडिट है वो महेंद्रगढ़ की पुलिस जनता को लौटा रही है और महेंद्रगढ़ की पुलिस के द्वारा जनता के साथ और दुकानदारों के साथ खास करके पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। ये देखिए खुद पुलिस वाले लगे हुए हैं लोगों का सामान ट्रांसफर करवाने में। जरा नजर डालिए इस अधिकारी पर एक बार, ये वो अधिकारी है जिन्होंने इंसानियत के नाते लोगों पुलिस वालों से मदद की कि पुलिसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मानवता का परिचय देते हुए लोगों की आप मदद करें। आओ भाई पंचर आओ इस खोखे के अंदर आपको जितने दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे पुलिस वाले और पुलिस वाले पुलिसिंग सिस्टम को की मिसाल एक बहुत अच्छी यहां पर पेश कर रहे हैं क्योंकि पुलिस के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। महेंद्रगढ़ में अगर बात कर ले तो काफी समय से डिस्टर्बेंसिंग की प्रोसेसिंग चल रही थी और ये तस्वीरें अपने आप में पुलिसिंग सिस्टम के बारे में एक बहुत अच्छी मिसाल है वो पेश करती है। और कुछ है क्या?
महेंद्रगढ़ पुलिस ने पुलिसिंग सिस्टम को मैनेज किया और पुलिसिंग सिस्टम को मैनेज करते हुए इसमें अच्छे तरीके से डीएसपी राजीव कुमार जी है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ कोऑपरेट किया है और कोऑपरेट करने के साथ साथ ही पुलिस वालों से मदद भी लोगों की करवाई गई है और अभी भी पुलिस वाले लगातार लोगों की मदद करने में लगे ही हुए हैं। मन्ना दो दिन वो रामलीला शर्मा कुछ नहीं है। चार घंटे हो गए ये डलेगा चैनल पे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज पर। यूट्यूब करवा दी बने अरे रुक जाए कुबर बेटा Thank you.
देखिए जो प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो नहर विभाग की जो कॉलोनी है उसके के सामने से शुरू होकर के और अभी ये समझो कि लगभग लगभग आखिरी चरण में पहुंचने वाली है और ये जो यहाँ से शुरू हो जाती है बाउंड्री पुलिस विभाग की, तो ये कार्रवाई जो है वो यहाँ तक होनी थी जो लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। अब इससे जो आगे का जो कार्य है वो ब्रह्मदेव चौक के पास जो दुकानें हैं जो मतलब पक्के तौर पर दुकानें जो बनाई गई है वो अब तोड़ने का कार्य प्रशासन करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझे लगता है कि एसडीएम साहब खुद भी यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात देखने लायक आज मेंद्रेड़ में थी कि मेंद्रेड़ की जो पुलिस है मेंद्रेड़ पुलिसिंग सिस्टम के तहत एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल की है और लोगों की जो मदद है हवा में चला रह के सबसे बड़ा अपडेट ये है कि महेंद्रगढ़ के जो एसडीएम है दिनेश कुमार जी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोगों की अपील पर शायद लगता है कि जो काम है वो यहाँ पर अभी रोक दिया जाएगा क्योंकि देखिए जिस तरह से आप पीछे की तस्वीरों में देख पा रहे हैं एसडीएम साहब खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और ये देखिए तुम इधर आ जाओ इधर आ जाओ
सर मिल जाएगा ठीक है। हाँ वो दीवार हटवा देंगे आपके कल, और भाई वहाँ अपने लाइन से जिस हिसाब से ना फालतू आदमी का अलाउ करूंगा नहीं, लेकिन जितने हैं ना वो भाई अपने लाइन से वहाँ लगा देना सारे, कल से अपना वहाँ कर लो। और जो प्रपोजल आपको मैं भेज देता हूँ, नहीं तो 29-24 जितने भी हो आपके लिए वो जल्दी से जल्दी हम अपने बनवा देंगे ठीक है। ये आगे वाली ये रुक गई सर, ये रुक सर, ये तो रूल सबके लिए एक समान होना चाहिए भाई। याद था उजड़ गया और अभी क्यों जा रहा, वो भी था जो 50 आदमी हमसे 25 उजड़ गया, 50 नंबर क्यों उजड़े मान लो अगर पहले आ जाता तो ये सारी दुकान बच जाती। अरे भी बच्चे हूं मैं क्या, ये भी आपने शहर का है तो कितने बाहर का थोड़ी भाई, फोन कर रहे साहब का आज जोड़ जोड़ कर अभी एस डी एम साहब ने मोदी से साफ किया था, मारो भी टूट कौन सा साहब आया था, रामविलास जी साहब भी साहब से 5 घंटा पास आए हुए देख ले तू भी साहब से पैसा दे क्या हो रहा है करना है देखिए किस तरह से तबाही का मंजर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दुकानें जो प्रतिष्ठान व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर टूटे हुए हैं, और जिस तरह से अगर बातचीत कर ले और देखा जाए तो एक तरीके से जो लोगों की रोजी रोटी है वो यहाँ पर छिन गई, अब उनको दोबारा से इसको सेटल करने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात कर ले तो सभी ने राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम यहाँ पर किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जो अपने आप को महेंद्र का बहुत बड़ा कद्दावर नेता बताते हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों की ओर से उनके कहने के बावजूद भी काम नहीं रोका गया, निरंतर काम को यहाँ पर रखा गया। और जिस तरह से अभी की ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग अपने बर्बाद हुए आशियाने में से किस तरह से अपना सामान ढूंढ ढूंढ कर रात के समय में निकालने को मजबूर है। जी जी वो छोड़ दिया था कि हाँ जी भाई साहब जो दुकानें पक्की बनी हुई है वो 2-3 दिन तक मतलब कल तक उनको टाइम दिया जो मेडिकल हॉल सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है, ऐसी सरकार दुश्मन को मैं दिखाऊं, इसी गंदी सरकार कदे आनी नहीं चाहिए, जिनके गरीबा की फुड़वा दी ठाटा ही फोड़ी को उनका हाथ ना लगावे किसी सरकार से, या दुनिया बसा रही है उजाड़ी। इधर आओ पत्रकारिता पर सवाल उठाने वाले इधर आओ, मैं करूंगा सवाल तो इधर आओ, मैं बताता हूँ पत्रकारिता क्या, इधर आओ, किसी पर उंगली हटाना बहुत आसान है जबकि करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। देखिए मौके का मुआयना करने के लिए जो एसडीएम साहब है वो पहुंचे हैं, साथ में उनके डीएसपी साहब खुद मौजूद हैं, और अभी जो डिस्ट्रॉयेशन यहां पर किया गया है कंप्लीट उस मौके का मुआयना करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। देखिए भाई चलो इसको फिनिश करो आप।